नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज सच्चाई के साथ। पुलिस ने किया देववाणी होटल में हुई चोरी का खुलासा। तमिलनाडु के टप्पेबाजों को कोटद्वार कोतवाली पुलिस ने करीब 5 लाख के 26 मोबाइल फोनों के साथ गिरफ्तार किया है। दिल्ली निवासी उपेंद्र कुमार ने कोतवाली कोटद्वार में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि किसी अज्ञात चोर द्वारा उनकी पत्नी का पर्स, जिसमें 45,000 रुपये की नकदी, एक सोने की चेन, लगभग 18 ग्राम HDFC SBI बैंक का ATM कार्ड, फ्लैट की चाबी, मोबाइल फोन देवानी होटल के कमरे से चोरी किए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे द्वारा उक्त चोरी की घटना को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र ही अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मणिभूषण श्रीवास्तव को टीम गठित करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके उपरांत अपर पुलिस अधीक्षक कोटद्वार शेखर चंद सुयाल के निर्देशन में पुलिस उपाध्यक्ष वैभव सैनी पर्यवेक्षण में मणिभूषण श्रीवास्तव के निर्देशित में गठित पुलिस टीम द्वारा उड़ई थाना आमूर जिला वेल्लूर तमिलनाडु निवासी अभियुक्त गोपाल पेरुमल को कौड़िया चेकपोस्ट से गिरफ्तार किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा घटना का शीघ्र अनावरण करने पर पुलिस टीम को उत्साहवर्धन हेतु 5,000 के नगद पारितोषिक दिया गया। पुलिस टीम में वरिष्ठ उपनिरीक्षक जगमोहन रमोला, उपनिरीक्षक विनोद कुमार, उपनिरीक्षक नवीन पुरोहित, मुख्य आरक्षी हेमंत कुमार, दीपक कुमार व पवनीश कवि शामिल रहे। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, सबसे पहले खबर को पाने के लिए।